गर्दन में दर्द है? ओके, तो फिर नीचे कुछ ढूंढ रहे हो? तो फिर ऊपर क्यों नहीं देखते? अब ऊपर क्या देख रहे हो? अरे बुद्धू, मुझे देखो, मुझे बेशर्म हो ना, शर्म तो बेच के खा गए हो। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या है? हाँ, पहले खुद बोलती हो कि चुप रहो, फिर बोलती हो कि बोलो, आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले तो दूर होकर बात करो, बदबू आ रही है तुम में से। परफ्यूम बोलते हो उसे, मेरे दोस्त ने दिलवाई है। हाँ, एक है तुम्हारे दोस्त, इन्हें कुछ काम नहीं है, तुम्हें अपने साथ लेके घूमते रहते हैं। अरे वो सब नाइट ड्यूटी करते हैं, तो दिन में थोड़ा बहुत टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लेते हैं। थोड़ा बहुत टाइम? पूरा दिन हांटते रहते हो तुम उनके साथ, वो भी पता नहीं कैसे जाग लेते हैं रात भर। जागते हैं, अरे पूरी रात सोते हैं, काम के नाम पे काम चोरी करते हैं वो लोग। कम से कम काम का नाम तो है उनके पास, तुम कब करोगे राघव काम? बस बस, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम फिर से मेरी बेरोजगारी को लेकर शुरू हुई तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, जाकर दिखाओ। मैं सच्ची में चला जाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने एक कदम यहाँ से बढ़ाया ना, तो मैं भी उल्टे पाँव घर वापस चल जाऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा, इधर लाओ चुपचाप से। देखो, तो मैं कह रहा था कि अभी टाइम है ना? नहीं है टाइम। तुम बोल रही थी तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना, अब मैं बोल रहा हूँ तो तुम भी चुपचाप सुनो। तो देखो, लाइफ को लेकर मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अपना बिजनेस करूँगा और उसके बाद तुमसे शादी करके पिक्चर देखने जाऊँगा। पिक्चर देखने के लिए शादी करोगे मुझसे? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है शादी के बाद दीदी के साथ पिक्चर देखने में अलग ही मजा आता है। और गर्लफ्रेंड के साथ? ना, गर्लफ्रेंड तो सिर्फ गर्लफ्रेंड होती है, बदलती रहती है। मैं तो जब तुम मेरी बीवी बनोगी तभी जाऊंगा पिक्चर देखने। हाँ, बड़े बड़े सपने तुम्हारे, बेरोजगार। आँखों को मीचे मीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कह दे तू अभी। बहारों की छत हो, दुआओं के हाथ हो, पढ़ते रहे ये गजल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाएं हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। बोलो, कहाँ हो तुम? कहाँ बताया था तुम्हें? इंटरव्यू देने? हाँ हाँ, वही इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इंटरव्यू दे रहे हो क्या? हाँ, वही इंटरव्यू दे रहा था। ओके, कौन सी कंपनी में? कंपनी मैं बताती हूँ कौन सी कंपनी में। कंपनी का नाम है फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आपकी जॉब पक्की है और सैलरी के नाम पे एक टाइम की चाय और दो सिगरेट, 15-20 गालियां, और छुट्टी के नाम पे जब बकवास करने को खत्म हो जाए तो अपने अपने घर निकल लो, है ना? तुम गलत समझ रही हो, मैं सुबह इंटरव्यू देने गया था तो उसके बाद दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, और कब गए थे आप इंटरव्यू देने? अभी सुबह सुबह। बेशरम इंसान, अभी भी सुबह के 11 बज रहे हैं,
ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतनी सुबह सुबह तुम्हारा इंटरव्यू ले रही है? फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। तुम्हें तो पता है ना मुझे अपना बिजनेस करना है, ये इंटरव्यू वगैरह मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बोलना बंद करो। अच्छा तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दोस्तों के साथ था ना इसलिए। दोस्तों के साथ था, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों के साथ थे तो मेरा कॉल तो उठा सकते थे ना। अरे अच्छा नहीं लगता है ना कि उनके बीच में बैठ के मैं तुमसे बात करूं। अच्छा इतना सोचते हो तुम? हाँ और नहीं तो क्या। किसका कॉल है? दोस्त का, एक मिनट। अरे दोस्त का कॉल था, लड़की का थोड़ी जो से घूर रही हो। अच्छा दोस्तों के सामने गर्लफ्रेंड का फोन नहीं उठा सकते, लेकिन गर्लफ्रेंड के सामने दोस्तों का फोन उठाना जरूरी है? अरे तुम समझती हो ना। हाँ सब मैं ही समझती हूँ, तुम कुछ मत समझना। क्या समझूं, तुम कुछ समझाती नहीं हो। सब समझता हूँ, बस तुम्हें दिखाता नहीं। हटो। मैं नहीं हट रहा। Love you. अब प्रॉमिस करो कल तुम इंटरव्यू देने जाओगे। यार मुझे नहीं करनी कोई जॉब, मुझे अपना बिजनेस करना है। कब तक अपने दोस्तों के भरोसे रहोगे राघव? पहले कुछ पैसे जोड़ने के लिए जॉब ट्राई करने में क्या जा रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो मैं एक बार जॉब भी ट्राई कर लूंगा। जैसे मैं करता। इंटरव्यू कैसा रहा तुम्हारा? एकदम बकवास। क्यों क्या हुआ? मैं देने ही नहीं गया। लेकिन क्यों? वो रास्ते में मेरे दोस्त मिल गए थे। तो तुम उनके साथ फिर से बैठ गए? नहीं यार, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जॉब है, क्या सैलरी है, मैंने उन्होंने बता दिया तो वो हंसने लगे, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कहता था कि मैं अपना बिजनेस करूँगा। उन्हें टोंट करता था कि मैं तुम्हारी तरह कभी किसी की नौकरी नहीं करूँगा, और आज मैं खुद उनके सामने किसी और का नौकर बनने जा रहा था। यार प्रीत, मेरी औकात मिट्टी मिल जाएगी अगर मैंने जॉब की। तो तुम जॉब नहीं करोगे? बस एक महीने और, मैंने अपने एक रिश्तेदार से पैसे मांगे हैं, जैसे ही वो पैसे देगा वैसे ही अपना बिजनेस कर लूंगा। राघव पिछले एक साल से ना मैं यही सुन रही हूँ कि वो पैसे देगा तो करूंगा, उल्टा खुद के खर्चे के लिए तो मैं दोस्तों से उधार मांगना पड़ रहा है। पहले कम से कम वो तो चुका लो, फिर कोई और कर्ज लेना। प्लीज समझो ना। बस राघव मुझे ना कुछ नहीं समझना, तुम दिन भर आवारों की तरह इधर उधर हांटते रहते हो, तुम्हारे खुद के खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। माना कि सपने बड़े देखने चाहिए, पर वो पूरे छोटे छोटे कदम बढ़ाने से ही होते हैं। और तुम्हारे तो खुद के कदम तुम्हारे बस में नहीं है। संभल जाओ राघव, वरना बहुत पीछे छूट जाओगे।
पागल हो तुम? एक जॉब नहीं कर रहा तो मुझसे बात नहीं करोगी? बात तो दूर की बात है राघव, अब शायद मिलू भी ना। मिलू भी ना मतलब? एक महीने बाद मेरी शादी है, सबसे पहला कार्ड तुम्हें ही देने आई हूँ, हो सके तो आ जाना। कोई शादी वादी नहीं कर रही हो तुम? क्यों, क्यों ना करूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। मैंने भी तुमसे कितना बोला, तुमने मेरी बात मानी आज तक? छो आज मैं तुम्हारी बात मानूं? प्रीत प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राघव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए अपने फ्यूचर का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बस कुछ महीने और, पैसों का इंतजाम हो चुका है, पैसे जैसे आएंगे वैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। राघव ये तुम्हारे खुद के बिजनेस करने का भूत तुम्हारे सर से उतरता क्यों नहीं है? तुम समझते क्यों नहीं हो कि टाइम बार बार नहीं आता है? तुम्हारे खुद के बिजनेस करने का ये प्लान ठीक है, मगर किसी और के भरोसे बैठना ये ठीक नहीं है। और ये सेम चीज ना मुझ पे भी लागू होती है, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठ सकती। I'm sorry, राघव। प्रीत मत जाओ प्लीज, मुझे जाने दो राघव। प्रीत प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं कल से किसी जॉब पे जाने लग जाऊंगा, पर प्लीज तुम कहीं मत जाओ। मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती राघव, कितने सालों से मैंने पापा को रोक के रखा है, किसके भरोसे? तुम्हारे भरोसे। पर अब नहीं हो पाएगा मुझसे। प्रीत मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं जॉब करूंगा। क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? तब से तो मान ही रही हूँ ना, क्या कर लिया तुमने? बस अपने दिन कम किए जा रहे हो जिंदगी के, कोई तरक्की नहीं करी है तुमने। कैसे लेके जाऊंगी तुम्हें अपने पापा के सामने और उनसे ये बोलूंगी कि ये है वो लड़का जिसे मैं प्यार करती हूँ? खुद तो दोस्तों से उधार लेके खाता ही है, साथ में मुझे भी खिलाता है, ये बोलूंगी उनसे? प्रीत तुम ये शादी मत करो प्लीज, और मैं ये बिजनेस भी हमारे लिए करने वाला था, पर अगर तुम ही नहीं रहोगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। और तुम चाहती हो ना कि मैं जॉब कर लूं, तो ठीक है मैं कल से जॉब पे जाऊंगा, पर प्लीज तुम कहीं मत जाओ। ठीक है, पर ये आखिरी मौका है, वरना और भी शादी के कार्ड्स हैं घर पे, सोच लेना। ये कैसा सलूक है तेरा सांवरे, गुलाब के फूलों को पत्थर क्यों जाने, एक हम हैं जो तुझको खुदा मानते हैं, एक तू है जो हमको बंदा भी ना माने, ये कैसा सलूक। प्रीत 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 मेरी जॉब लग गई। सच्ची? हाँ, 30K पर मंथ और 1 साल का एडवांस पैकेज भी दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारी शादी को मेरे पापा भी नहीं मना कर पाएंगे। वो तो ठीक है, पर पहले तुम अपनी पहली शादी तुड़वाओ। कोई शादी नहीं हो रही मेरी, वो जो कार्ड तुमने फाड़ा था ना उसमें भी हमारा ही नाम लिखा था, प्रीत वेड्स राघव। क्या बकवास कर रही हो? हाँ नहीं तो क्या, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानने वाले, इसलिए मैंने शादी का बहाना किया, वरना तो तुम बिजनेस के आईडिया के पीछे पड़े रहते। कह दो कि ये झूठ है। नहीं नहीं बिल्कुल सच है। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ रिजाइन देने, और करूंगा तो अपना बिजनेस ही, तुम्हें जिससे शादी करनी है ना चाहो कर लो। क्या बोले, हड्डी तोड़ दूंगी मैं अगर तुमने अब जॉब छोड़ी तो। एक महीने बाद ना हमारी शादी की डेट फिक्स हुई है, तब तक ना अच्छे से काम करो, मुझे हनीमून के लिए ना बाहर जाना है। शक्ल देखिए अपनी, तुम जैसे बेरोजगार ने मुझे पसंद किया है, इतनी बुरी भी नहीं होगी। पागल, मीलों का हो सालों का हो चार। रुको रुको, ये सब शादी के बाद और फिर पिक्चर देखने में तो जाना है। हाँ फिर ना हॉल में किस करेंगे? हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। पहुँच है जाना वही, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद कर
करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल EVR सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ।